नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज राजनीतिक चर्चा करने के लिए आपके बीच हूं। बीती शाम कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट में 6 नाम छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी सारे के सारे नाम वो पूरे के पूरे दक्षिण भारत के हैं। 6 नाम उसमें छत्तीसगढ़ के हैं। इन 6 नामों में बहुत हैरान करने वाले तो नहीं है, क्योंकि सभी नाम पहले से चर्चा में थे। उसमें से सबसे बड़ा नाम है भूपेश बघेल का, जिनको पार्टी ने राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है, और 5 नाम हैं। उन सभी नामों को मैं गिनाऊं, इससे बेहतर ये है कि आज की इस बातचीत में हमारे बीच जो दो लोग यहाँ मौजूद हैं, और इनमें से एक मेरे साथ जो यहाँ नियमित रूप से मौजूद रहते हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी, और दूसरी तरफ दिनेश आकुला जो हैदराबाद में बसे हुए एक जर्नलिस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम शुरू किया, यहाँ के अंग्रेजी अखबारों से काम शुरू किया, उसके बाद वो एक बड़े टीवी चैनल में, बड़ी बड़ी जगहों पर, दिल्ली में, हैदराबाद में, कई जगहों पर वो रिपोर्टर रहे। उसके बाद हैदराबाद में तेलुगु के बड़े बड़े समाचार चैनलों के मुखिया रहे। दिनेश हम लोगों के साथ शुरू से काम करते रहे हैं। हमारे अखबार में आपने दिनेश आकुला की लिखी हुई खबरें, हिंदी में भी लिखते हैं हमारे लिए, हैदराबाद से भेजी हुई रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हुई हैं। एक दो बार पहले भी जब वो रायपुर आए तो मैंने उनको दबोच कर यहाँ स्टूडियो में बैठाया बातचीत के लिए। आज दिनेश भी यहाँ पे हैं। दिनेश, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और शशांक से आप मिलते ही रहते हैं, जब भी राजनीति की बात होती है, जब भी चुनाव आते हैं तो शशांक यहाँ मौजूद रहते हैं। आज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उन 6 सीटों पर जिसके उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं दोनों ही बड़ी पार्टियों के। मैं सभी पार्टियां नहीं कहता, लोकतंत्र में छोटी पार्टियों को भी उम्मीदवार खड़ा रखने का हक है, लेकिन जो दो बड़ी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और भाजपा, इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आ चुके हैं। क्यों शशांक? बिल्कुल। कौन सी 6 सीटें हैं? 6 सीट है जांजगीर चांपा, यहाँ से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस की। हाँ। और भाजपा से कमलेश जांगड़े, श्रीमती कमलेश जांगड़े, इनकी घोषणा पहले हो चुकी है। हाँ। कोरबा सीट से मौजूदा सांसद है ज्योत्सना महंत, वो है, और उनके खिलाफ भाजपा से सरोज पांडे, जो दुर्ग से सांसद रह चुकी है, राज्यसभा सदस्य रह चुकी है, विधायक रह चुकी है, क्या विधायक भी रही वैसा, और मेयर भी रही है, मेयर भी रही है दो बार, सब कुछ रही है वो। और इसके बाद राजनांदगांव सीट से खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव मैदान में हैं, उनके खिलाफ मौजूदा सांसद है संतोष पांडे, वो लड़ रहे हैं। दुर्ग से नए चेहरा है राजेंद्र साहू, उनको उतारा है। ये भूपेश बघेल की पसंद बताए जाते हैं, वही राजन साहू है क्या? और वहां से मौजूदा सांसद है विजय बघेल, भाजपा प्रत्याशी है। रायपुर सीट से विकास उपाध्याय, हाल में अभी विधानसभा चुनाव हारे थे, उन्हें टिकट दिए है। और भाजपा से मौजूदा विधायक है, सरकार में मंत्री है, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव मैदान में है। और आखिरी महासमुंद सीट से दुर्ग से बड़े नेता, उनको महासमुंद शिफ्ट किया गया, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज, क्योंकि काफी साहू वोट है महासमुंद में, ऐसा साहू ताम्रध्वज साहू, और उनके खिलाफ रूप कुमारी चौधरी चुनाव मैदान, अगर ये उम्मीदवार है ऐसा पिछली चर्चा में आपने बतलाया था। जी, इतने हैं जी। दिनेश जी, आप बीच बीच में छत्तीसगढ़ आते हैं, बहुत बारीकी से तो नहीं देखते, लेकिन दूरी में हैदराबाद में रहते हुए भी संपर्क में रहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के, क्या लगता है ये चुनाव छत्तीसगढ़ का? आपको एक दूर बैठे व्यक्ति का एक अलग नजरिया रहता है, हम लोग तो यहाँ बीच में बैठे हुए हैं दलदल के, आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो आपको दलदल में कमल भी दिख सकता है, कोई बचाव बचाव का कोई हाथ भी दिख सकता है, क्या माहौल लग रहा है छत्तीसगढ़ का? ये देखिए, छत्तीसगढ़ का माहौल ऐसा है कि जब मैं आता हूँ तेलंगाना से, तो तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो उम्मीद की जा रही थी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस कैप्चर करेगा, लेकिन हो नहीं पाया, सिर्फ तेलंगाना को कैप्चर कर पाया। तो तेलंगाना के जो बड़े लीडर से मेरी बात होती रहती है, हाल ही में बड़े बड़े लीडर से बात हुई, उनका कहना है कि वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन छत्तीसगढ़। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे कुछ हुआ है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो डायसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा, कुछ रहस्यमय किस्म का। जी, ये उनका कहना है। ये जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा, भी कुछ लोगों का कहना है ये,
केवल वहीं के लोगों का कहना नहीं है जी। तो अब ये ऐसा तो उनको लगता है कि अभी भी जो विनिंग स्ट्रीक है भूपेश बघेल के पास है, कुछ ऐसा कुछ उनको लगता है पावर था कि यू कुड हैव कम बैक, लेकिन ऐसा कुछ हो गया लास्ट एक दो महीने में जो चुनाव वो हार गए थे। इसलिए आपने देखा होगा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को कंपेयर करेंगे, दे हैव कंप्लीटली साइडलाइन कमलनाथ, इसलिए कमलनाथ बीजेपी जाएंगे कि नहीं चर्चा है, लेकिन दे हैव गिविंग मोर पावर टू भूपेश बघेल, इसलिए भूपेश बघेल को उनको लगता है कि इनके लीडरशिप में मतलब बहुत मुश्किल से बीजेपी जीत पाई, उनका ऐसा कहना है। तो हो सकता है कि भूपेश बघेल के पास वो मैजिकल बैंड जो बोलते हैं, वैंड जो बोलते हैं, वो अभी भी है, जादू की छड़ी छड़ी। तो 11 में से जैसे दो थे उनके पास, तो कम से कम 8-9 सीट वो जितवा देंगे भूपेश बघेल, ऐसा कांग्रेस का एजम्पशन है। ऐसा जी, यानी कांग्रेस ये मान के चलती है कि दो सीटें उसकी कायम रहेगी यहाँ पे और एक हाथ दो तीन चार दो नहीं आठ उन्होंने वो टारगेट कर रहे हैं, आठ पे टारगेट, आठ। आपकी बात अगर अमित शाह और मोदी सुन रहे होंगे तो आज रात सो नहीं पाएंगे वो लोग। और मुझको लग रहा है कि भूपेश बघेल जो हैं वो अगर ऐसा आईने में देख के भी अपने खुद के बारे में सोचेंगे तो भी इतनी बड़ी बात नहीं बोल पाएंगे जितनी बड़ी बात उनके लिए आप बोल रहे हैं। यानी भूपेश बघेल अगर दो से ज़्यादा सीटें यहाँ जीत लेंगे तो आप तैयार रहिए, आपके मुँह में घी शक्कर डालने के लिए हैदराबाद आएंगे वो। पिछले विधानसभा चुनाव में वैसा वो सोच सकते थे इसलिए क्योंकि 68 सीटें थी विधानसभा। लेकिन 6 महीने के भीतर लोकसभा की सिर्फ 2 ही सीटें आ पाई। ये है, लेकिन एक चीज है शशांक कि छत्तीसगढ़ का मैं पुराना इतिहास देख रहा था, बहुत पुरानी बात मैं नहीं करता, 77 इधर उधर की बात नहीं करता, लेकिन राज्य बनने के बाद से अभी तक एक भी लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं रहा जो दोनों पार्टियों में से किसी न किसी के पास सीटें न रही है, दोनों के पास रही है। एक वक्त 10 सीटें बीजेपी के पास रही तो भी ताम्रध्वज साहू मोदी की लहर में 2014 में अकेले लोकसभा सदस्य रहे यहाँ से। इस बार वो दुर्ग से नहीं लड़ रहे हैं, महासमुंद से लड़ रहे हैं। दुर्ग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निजी पसंद और दुर्ग के लिए पहली पसंद राजेंद्र साहू, उनको टिकट दी गई है। हम शुरुआत करते हैं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरुआत करें, अभी देखिए जांजगीर चांपा में सबसे पहले डिक्लेयर हुआ है जांजगीर चांपा। चलिए जो लिस्ट है मेरे पास जांजगीर चांपा की, मैं जरा सा एक पल में आपको आंकड़े गिना देता हूं। जांजगीर चांपा 2004 का चुनाव पहला लोकसभा चुनाव था छत्तीसगढ़ का। 2004 के चुनाव में जांजगीर चांपा में कांग्रेस पार्टी 11,329 वोट से हारी थी। डॉक्टर चरणदास महंत को करुणा शुक्ला ने हराया था। करुणा शुक्ला 3 लाख से पार कर गई थी, चरणदास महंत 2,92,000 पे रुक गए थे। 11,000 वोट से महंत हार गए थे यहाँ से चुनाव। अगला चुनाव आते हैं 2009 का, शिव कुमार डहरिया जो कि अभी फिर वहाँ उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस के, शिव कुमार डहरिया कांग्रेस कैंडिडेट थे। कमला देवी पाटले ये भाजपा की कैंडिडेट थी, 87,000 से हारे थे शिव कुमार डहरिया, अभी कैंडिडेट हैं। अभी उनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ दिख रहा है, इस समय नहीं था, हो सकता है डॉक्टर नाम में जुड़ने के कारण ये 87,000 की हार जो है वो जीत में बदल दें वो। इसके बाद 2014 का चुनाव, ये मोदी लहर का चुनाव था भूलिएगा मत, 2014 के चुनाव में प्रेमचंद जायसी ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे और कमला देवी पाटले ये बीजेपी की कैंडिडेट थी, 2.25 लाख की लीड थी बीजेपी की यहाँ पे, 2.25 लाख। अब आ जाते हैं 2019 का पिछला चुनाव, भूपेश बघेल की सरकार राज्य में आ चुकी थी, कुछ महीनों के भीतर लोकसभा का चुनाव हुआ था, मोदी की लहर कायम थी 2019 में, दूसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया था। लोग ऐसे बावले थे कि 100 रुपये लीटर 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार थे, अभी भी होंगे। उस वक्त रवि परसराम भारद्वाज ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे और गुहाराम अजगल्ले ये भाजपा के कैंडिडेट थे, 82,000 वोट से गुहाराम अजगल्ले जीते थे। और मैं चर्चा करना चाहूँगा, 2-3 बार हम लोग कर चुके हैं, शशांक ने गिनाया है कि दिल्ली में जब सांसदों की खरीद बिक्री चल रही थी, सवाल पूछने के लिए पैसा दिया जा रहा था, उस वक्त गुहाराम अजगल्ले ने पैसा लेने से मना कर दिया था। ऐसा ही था, इन्हीं के बारे में बतलाते हो आप, ऑपरेशन दुर्योधन में फंसने से ये बचे ही नहीं थे, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसमें नहीं फंसूंगा, ऐसे ही था, लेकिन उनकी टिकट काट दी शशांक अभी।
क्यों काट दी है टिकट उनकी? ये वजह ये बताई जा रही है कि सारी सीटें हार रही हैं लोकसभा की, विधानसभा। अच्छा, विधानसभा की उस लोकसभा सीट के भीतर विधानसभा की 8 सीटें, 8 की 8 बीजेपी हार गई। ये शर्मनाक हार पूरे स्टेट की 11 लोकसभा सीटों में कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं, सिर्फ यहीं पर हुई है जांजगीर चांपा में। ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट है ये। मैं 2023 जो शशांक अभी बतला रहे हैं 8 सीट हारने का, वहां पर आता हूं तो जो गुहाराम अजगले जीते थे 82,000 से, वो लोकसभा सीट पे विधानसभा की सीटों को मिलाकर कुल हार इस बार हुई है 78,000 की, यानी करीब करीब 1.5 लाख का फासला हो गया उनकी लोकसभा चुनाव में और बाद की अभी के विधानसभा चुनाव में 1.5 लाख का फासला हो गया। 78,000 से कांग्रेस आगे, न केवल 78,354 वोट से बल्कि 8 की 8 सीटों पे अलग अलग कांग्रेस जीती है। भाजपा ने तय किया था कि तमाम 11 लोकसभा सीटों से एक एक मंत्री कम से कम बनाएगी, यहाँ से मंत्री बनाने के लिए विधायक नहीं है उनके पास में जांजगीर चांपा से, और छत्तीसगढ़ में विधान परिषद तो है नहीं बिहार या महाराष्ट्र या कुछ राज्यों की तरह कि जहाँ से किसी को विधान परिषद में मनोनीत करके मंत्री बना दे, वैसा यहाँ पर है नहीं। तो खैर हम इससे चालू करते हैं। जांजगीर चांपा, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, इनको कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाया है जी, और भाजपा के कैंडिडेट यहाँ से श्रीमती कमलेश जांगड़े हैं जी। क्या स्थिति रहेगी अब इन दोनों के बीच में? देखिए आज ही प्रत्याशी कल शाम को घोषणा हुई है डॉक्टर शिव डहरिया की, आज ही उनको बड़ा झटका लगा है। कैसे? बड़ा झटका ये लगा है कि पूर्व विधायक थे चुन्नी लाल साहू, हाँ, उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के विधायक? अकलतरा सीट से, जो उन्हीं के क्षेत्र में लोकसभा सीट में आता है। उस लोकसभा के तहत अकलतरा से चुन्नी लाल साहू, हाँ, उन्होंने वो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पे थे, हाँ, उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, हाँ, पार्टी छोड़ दी है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर चौलेश्वर चंद्रा का, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ये दोनों जांजगीर चंपा लोकसभा सीट के तहत के लोग हैं। ये अकलतरा सीट से आते थे, चुने गए थे चुन्नी लाल साहू। कब चुने गए थे? 2013 में। 13 में, अभी नहीं थे। अभी विधायक ने नहीं छोड़ा है। अभी विधायक तो राजेंद्र सिंह है, कांग्रेस के पास ही है। ये टिकट नहीं मिलने से वह नाराज चल ही रहे थे, लेकिन सब प्रदेश उपाध्यक्ष थे, चुनाव में विधानसभा चुनाव के दौरान उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी अलग अलग, तो वो निभा भी रहे थे। लेकिन अब ठीक प्रत्याशी की घोषणा के बाद, डॉक्टर डहरिया के नाम की घोषणा के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से। यानी अभी अभी आपको लगता है कि और इस्तीफे ऐसे आ रहे हैं? आ रहे हैं अभी शुरू हुआ है। यानी आपको कोई भीतर की जानकारी भी है? जी। तो ये जो भाजपा का जो नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो धीरे धीरे कांग्रेस युक्त भाजपा में बदलते जा रहा है। कभी आज याद भी होगा सुरेश पचौरी जैसे लीडर, हाँ, उन्होंने आज मध्यप्रदेश में छोड़ा पार्टी, ऐसा भाजपा में शामिल हुए। हाँ जी। तो दूसरा जो बता रहा था, जयपुर से रहने वाले हैं चौलेश्वर चंद्रा का, हाँ, वो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। मुझको क्यों याद पड़ रहा है, विद्याचरण के समय या किसी समय चौलेश्वर चंद्राकर का नाम खबरों में आया था। उनके करीबी रहे हैं कोई किसी बड़े पद पे इनको रखा गया था या क्या था इनका, कुछ था जी, उनके तो सम्मान मिला था, राज्य स्तरीय सम्मान। हाँ, किसी उसको लेके जो प्रदेश जो राज्य स्थापना दिवस पे जो सम्मान मिलता है, तो उसमें चौलेश्वर चंद्राकर को सम्मान दिलवाया था विद्याचरण ने, वही है जी, बिल्कुल। तो खासे सम्मानित व्यक्ति चले गए भाजपा में जी, हैं जी। इतना सम्मानित तो और कोई व्यक्ति भाजपा में अभी गया नहीं है, गए नहीं है लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अच्छा, गए नहीं है, आधे रास्ते पे है अभी। अच्छा, निकल गए हैं उधर, अभी वो भाजपा परिसर पहुंच नहीं पाए। अच्छा, ये है कि अभी ऐसी चर्चा है कि देर सवेरे ये लोग शामिल हो जाएंगे या कुछ घंटे बाद। राजनाथ सिंह भी रायपुर में है, हाँ, हो सकता है उनके सामने प्रवेश हो जाए। जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं उस समय हो सकता है वहाँ चल रहा हो, हाँ, या आगे पीछे हो, हाँ, ये कुल मिला के ये बात है। अच्छा, तो डॉक्टर शिव डहरिया की उम्मीदवारी
पहले से तय थी, सबको मालूम है। हाँ, वो इंटरेस्टेड है, अगर वो उनकी या उनकी पत्नी की, दोनों पत्नी दोनों में से किसी को भी देने के लिए पार्टी तैयार थी। तैयार थी, घर की अलमारी एक है, चाबी एक है, तो जिसको भी दे काम तो अलमारी किसी के भी आएगी, पति पत्नी के, ऐसे ही था ना। अच्छा, इनका इनका एक बड़ा क्वालिफिकेशन ये माना जा रहा था कि जितने आरोप इनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, पांच साल के कार्यकाल में, भूपेश बघेल के कार्यकाल में स्थानीय प्रशासन मंत्री के रूप में जितने इनके ऊपर आरोप लगे थे, जितने इन्होंने कॉलोनियां वगैरह बनाई थी आरंग में, जितना सामान वगैरह उखाड़ के ले गए थे सरकारी बंगले का, ऐसा आरोप था, उन्होंने खंडन भी किया है। जैसा इनकी पत्नी ने सामुदायिक भवन बनवाया, कब्जा कर लिया था, तो ऐसा लगता है पार्टी को कि ये सक्षम है लड़ने में, ऐसे ही है। देखिए क्या है कि राजीव भवन में खड़े नहीं होंगे पैसा मांगते हुए। रायपुर से जहांगीर चांपा की दूरी काफी है। हाँ, तो हो सकता है बहुत ज्यादा बात वहां ना पहुंचे, ग्रामीण इलाका है। हाँ, ऐसा आपका ये तो कहना नहीं है कि जहांगीर चांपा के लोग अनपढ़ हैं? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। हाँ, उस पर मैं जा भी नहीं रहा। हाँ, ये आर्थिक रूप से सक्षम है। हाँ, सबसे बड़ी चीज आज की सबसे महत्वपूर्ण, देखिए हम तो केवल जहांगीर चांपा के वोटरों को इतना बतलाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, आप उनकी क्षमता का सम्मान कीजिएगा, इस बात को भूलिएगा मत कि बहुत सक्षम कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने आपको। चुनाव के मौके पर क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है सक्षम कैंडिडेट का, इसका ध्यान रखिएगा, यही है ना। यही है, और एक बार लोकसभा लड़ भी चुके हैं ये लड़ भी चुके हैं, एक लोकसभा लड़े हैं ये 2009 में, आंकड़ा मेरे सामने 87,000 से हारे थे, इसलिए शायद इसके बाद इन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टर अपने नाम के साथ लिखने लगे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर ये हैं पहले से, लेकिन इस समय नहीं लिखा था इन्होंने डॉक्टर, अभी कांग्रेस की टिकट में लिखा हुआ है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। अच्छा, और ये बीजेपी कैंडिडेट के बारे में अपन बात नहीं की, कमलेश जांगड़े हैं। हाँ, और ये शक्ति के रहने वाली है। हाँ, शक्ति के निकट उनका गांव है। हाँ, और ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। अच्छा, हाँ, काफी सक्रिय है। महिला मोर्चा कहाँ की? शक्ति जिले, शक्ति शक्ति जिले की। और वो जिले के उपाध्यक्ष भी रही है, जब जांजगीर चांपा रही थे जिला संभागी, तो उसकी भी पदाधिकारी रही है, सक्रिय काफी महिला है। ऐसा, हाँ, तो चूंकि सारी सीटें, सारे विधानसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है, भाजपा यहाँ हारी हुई, तो भाजपा यहाँ बहुत ध्यान दे रही है। दिनेश एक चीज बतलाओ मुझको, आप एक्सपर्ट कमेंटेटर की तरह, किसी नेता की इमेज अगर ये है कि बहुत ही भ्रष्ट है, उसने बहुत ही कमाया हुआ है, क्या उस, आप तो सबसे संपन्न तेलंगाना से आए हो, जहाँ के नेता देश में सबसे संपन्न नेता माने जाते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना के चुनाव के दौरान जितना कैश जब्त किया है, इतना शायद बाकी चार राज्यों में मिला के भी नहीं हुआ था। तेलंगाना उन सबसे आगे था। आप उस प्रदेश से हो जहां एक एक सीट पे दसियों करोड़ रुपए खर्च होता है, तो आप इसको ज्यादा समझते होंगे। किसी नेता की इमेज अगर ये है कि बहुत भ्रष्ट है, उसने बहुत कमाया है, जरूरी नहीं है कि ये सच हो। जैसे शिव कुमार डहरिया, इनके बारे में ये बात सच हो मैं नहीं जानता, इमेज ऐसी है, इससे क्या लगता है उसके जीत हार पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता सर। इंडियन हिस्ट्री में, आप इलेक्शन हिस्ट्री में उठा के देख लेंगे। हाँ, कि करप्शन हैज नेवर बीन एन इशू। यदि करप्शन इशू होता, हाँ, तो आज आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना से अलग होके, क्योंकि मैं वहां से आता हूँ इसलिए मैं ज्यादा उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ, तो मुख्यमंत्री सीबीआई केस में बाहर है जेल से, मुख्यमंत्री। हाँ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, कहां के? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सीबीआई केस में इन्वॉल्व है। हाँ, वो बेल में बाहर है। हाँ, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर केस चल रहा है। हाँ, तो और उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का। हाँ, जगनमोहन रेड्डी के ऊपर। हाँ, तो आप ये सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि एक मुख्यमंत्री जिनके ऊपर इतना आरोप है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, चुनाव जीत कर। हाँ, और भारी मतों से चुनाव जीते, ऐसे नहीं छोटे मोटे नैरो मार्जिन नहीं है, मैसिव, खुद भी हेवी लीड से जीते, पार्टी को भी जीता जी, दोनों जी, भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जी। तो भ्रष्टाचार में आप यदि इंडियन पॉलिटिक्स में देखेंगे, जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो कभी एनकैश नहीं हो पाया है कि लोग कि वो भ्रष्ट है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिक्स हमारे ऊपर, जो अपोजिशन है हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार करप्शन लेके कोई भी इलेक्शन में जाता है तो उतना डरता नहीं है वो। यार दिनेश, आप हैदराबाद में बसे हुए हो, एकदम संपन्न और सबसे भ्रष्ट इलाके में,
राजनीतिक रूप से भ्रष्ट है, मीडिया के रूप में नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ईमानदार होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वीपी सिंह ने मुद्दा बनाया था बोफोर्स का जी, और राजीव गांधी की सरकार को पलट दिया था जी, जब ये नारा उठा था गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है जी, ऐसे बच्चा कोई बोलते निकल गया था तो वो नारा बन गया था, वहां से लेकर अभी कर्नाटक में जो भाजपा को हराया है कांग्रेस ने जी, ये कांग्रेस बोलती है कि 40% का भ्रष्टाचार था कर्नाटक में भाजपा सरकार में, इसलिए वो हारी, ये कांग्रेस कहती है जी। तो आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा भ्रष्टाचार के साथ रियायत बरत रहे हैं? नहीं नहीं सर, क्योंकि आप यदि देखेंगे कि बोफोर्स का भी जो कांड है आप जो कह रहे हैं वो एक हाईलाइट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि मतलब आप जानते हैं कि राजीव गांधी जब जीते थे he was 400 प्लस वोट्स जीते हैं, इंदिरा गांधी की शहादत के शहादत में जीते थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने कभी उस कांग्रेस ने कभी वो नंबर को टच नहीं किया, कभी नहीं। सो दैट वाज अ पीक, उसके बाद डाउनफॉल ही होगा। हाँ। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जो पॉलिसीज जो थे राहुल राजीव गांधी के पॉलिसीज थे, बहुत सारे एंटी पॉलिसीज हो गए थे जिसको एनकैश कर रहे थे। बोफोर्स एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट। यस। और जहां पर कर्नाटक की बात कर रहे हैं, 40% सरकार का नाम आरोप लगा कि हर चीज में 40% लेते हैं। हाँ। तो 40% वाज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 100 एलिमेंट्स। यस। सो करप्शन, सिर्फ करप्शन के कारण वो पार्टी हारी है, ये बिल्कुल गलत है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था, डाइवर्शन ऑफ पोलराइजेशन चल रहा था, तो बीजेपी के सीनियर लीडर्स को किनारे कर दिए थे तो उनकी नाराजगी सर वहां पर जो है वो कास्ट पे चलता है, वो कालिगास और लिंगायत पे चलता है। जो वो जो बड़ा नेता है येदुरप्पा, उनको साइडलाइन किया गया था, तो 65 सीट जो वो पूरा एरिया में वो कैप्चर करते थे लिंगायत वोट्स का, करीब 68 सीट्स, उसमें से वो बीजेपी 18 भी नहीं जीत पाई। अच्छा अच्छा, तो ये सब एलिमेंट्स काम किए। करप्शन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बोफोर्स कांड या सर यदि यही होता तो अभी तो पिछले चुनाव 2019 में राहुल गांधी वहां आए थे हैदराबाद, मैंने इंटरव्यू किया था उनका। हाँ। तो वो राफेल डील कर रहे थे। हाँ। जब वो बाहर आए तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि राफेल डील होता क्या है। हाँ। क्या करप्शन है? तो राफेल डील भी बोफोर्स जैसे करप्शन डील था। हाँ। वो तो एनकैश ही नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, यानी राफेल जो है जी वो उड़ ही नहीं पाया कांग्रेस का जी। एयरफोर्स का राफेल उड़ रहा है, कांग्रेस का राफेल उड़ नहीं पाया जरा सा भी। लेकिन दूसरा चीज मुझको बतलाओ, आप छत्तीसगढ़ को आप पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो पिछली सरकार थी जी, इस सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे जी। ईडी बहुत सारे केसेस को प्रोसिक्यूट कर रही है, इनकम टैक्स ने बहुत सारे जब्ती की है जी, कई तरह के मामले चल रहे हैं अलग अलग, कई आईएएस अफसर जेल में हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि एक आईएएस अफसर अपने जमानत के लिए तो कोशिश करते ही होंगे, किसी की जमानत नहीं हो पाई है, ये हालत है सरकार के लोगों की जी। आपको लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार हारेगी? किसी को भी नहीं लगता था यहाँ जी, लेकिन जो हारी उसके पीछे भ्रष्टाचार कोई मुद्दा था ऐसा लगता है क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में? नहीं सर, नहीं, तो मेरा ओपिनियन, हाँ आप अपने ही ओपिनियन, वो नहीं बता रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन है कि भ्रष्टाचार का, क्योंकि लोगों को पता है कि ईडी का जो काम हो रहा था वो पूरे देश में, आप कुछ करते हैं तो ईडी आपके पास आता है, आप बोले नहीं हम बीजेपी ज्वाइन कर ले तो ईडी, जैसे बंगाल में हुआ है। हाँ। इस एग्जांपल से जो मुझे जो लगता है छत्तीसगढ़ में कास्ट या अजीत पवार का महाराष्ट्र जी में हुआ, अशोक चौहान, हाँ अशोक चौहान जो है, तो अब छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है जो मुझे जो लगता है वो उसमें कास्ट इक्वेशन बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। एक तरफ बीजेपी सक्सेसफुली ये बताने में सफल हो गई लोगों को कि ये जो छत्तीसगढ़ी का जो कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट को वो कर रहे थे, ओबीसी मैदानी, बाकी ट्राइबल वाइबल को नहीं कर पा रहे, इसलिए आप देखेंगे जो रिजल्ट आया वो मैसिव विक्ट्री हुआ। बिल्कुल सर, बस्तर का ले लीजिए या इस तरफ आप यानी छत्तीसगढ़वाद जो है बस्तर सरगुजा को छू भी नहीं पाया, जैसे कि वो दूसरे प्रदेश के हिस्से हो जी, वहां नहीं छू पाया। और उसके बाद जो वुमेन ओरिएंटेड जो इन्होंने जो स्कीम लेके आया बीजेपी ने, जिसको देखकर अचानक कांग्रेस को ऐड करना पड़ा फर्स्ट फेज के बाद। हाँ, तो ये सब बहुत सारा काम किया। करप्शन हम लोग बात करते हैं, मीडिया में बात करते हैं, अर्बन में बात करते हैं। हाँ। लोकल लेवल जो ग्रामीण इलाके में जाते हैं वो लोग अपना देखते कि फ्रीबीज क्या मिल रहा हमको। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन काम नहीं, बट ये बड़ा मुद्दा नहीं है ऐसा, ये किसी को टॉपल नहीं किया इंडिया में आज तक, यदि आप पूरा हिस्ट्री को देखेंगे। आपकी बात सुनने के बाद
किसी भी नेता को हिंदुस्तान के ईमानदार बने रहने की कोई जरूरत नहीं लगेगी। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप करप्शन को एनकरेज नहीं, नहीं, कर सर, रहे हो। मैं नहीं कह रहा, आप ईमानदारी की जो मैं थोड़ा सा लेके जाता हूँ, यहाँ से दिल्ली लेके जाता हूँ। हाँ। पूरा का पूरा दिल्ली सरकार ईमानदारी के वोट पे आई है। हाँ। आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी लोकपाल बिल लाना है, ये लाना है, बिल्कुल, वो लाना है, बिल्कुल। पूरा एक कैंपेन चढ़ा था कि एंटी करप्शन का कैंपेन चला। पार्टी बनने के पहले से लोकपाल के मुद्दे पे आमरण अनशन पे बैठ गए थे ये लोग। उनके लोग डिप्टी सीएम जेल में है करप्शन चार्जेस में। एक सबसे बड़ा जो करप्शन है दिल्ली एक्साइज स्कैम जो चल रहा है, जो पार्टी एंटी करप्शन के मुद्दे पे आई है। मेरे ख्याल से 12 साल हो गया है केजरीवाल के मुंह से लोकपाल शब्द भी नहीं निकला है। जी, ये हाल हो गया है। पहले लोकपाल को रामबाण दवा की तरह, तो ये जो आपने कह रहे हैं कि मैं फैसिलिट कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी जब लोग आते हैं उस पार्टी नहीं, में। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ दिनेश, कि आपकी बात को सुन के भ्रष्ट लोग जो हैं उनका इतना हौसला ना हो जाए कि दिनेश आकुला बोल के गए कि भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया, शिव डहरिया को टिकट दे दी है जहांगीर से। मैं भ्रष्ट नहीं बोल रहा हूँ, उनकी छवि के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उनके भ्रष्ट। मैं थोड़ा सा इससे लीक से हटके एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ आप दोनों से। जब पॉलिटिकल एक पॉलिटिशियन जब एक पोजीशन पे जाता है तो बहुत सारे लोग उस पर एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे लिए ये करेगा वो करेगा। हाँ। आप ये सोचिए कि उसके घर पे सुबह से शाम तक 100-100 लोग बैठे रहते हैं, तो चाय पिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, गाड़ी पेट्रोल देना पड़ता है, 5-10 हज़ार रुपये खर्च होता है। 10,000 पकड़िए आप, 10,000 × 30, बिल्कुल, महीने का 3 लाख रुपए, वो कहाँ से लाएगा? वो यदि खर्च करता है पूरे 3 महीना 4 महीना 5 महीना 15-20 लाख रुपए खर्च कर लेता है, वो तो चैरिटी में खर्च नहीं कर रहा है। वो जब पोजीशन मिलता तो पहले अनकैश करता अपना जितने भी वो लाने का। ये मेरा मानना है, मैं ये किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी तेलंगाना में शशांक आपके पास में बैठे हैं, पहले इनसे पूछो ना सवाल। आप वो जो इनकैश करने वाली बात बोल रहे हैं, वो उससे सब प्रतिशत सहमत हूँ। आपको थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ। कजडोले विधानसभा बहुत गरीब क्षेत्र है, काफी फैला हुआ क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कमाने खाने के लिए जिसको कहा गया दूसरे प्रदेश उसी इलाके से जाते हैं। और वहाँ बड़े धनाढ्य लोग चुनाव लड़ते रहे पहले, और करोड़ों इतना पैसा देते थे कि कुछ पूछो। मेरे एक अनुभव में भी याद आ रहा है, कन्हैया लाल शर्मा रायपुर से जाके दो लोग, राजकमल सिंघानिया और गौरीशंकर अग्रवाल, शहर के रायपुर शहर के दो सबसे बड़े सेठ लोग जो हैं, वहां से जाके आमने सामने चुनाव लड़ते थे। यहां फिर शाम को दोनों साथ में भी एक और जोड़ना चाहूंगा कि आपने इतना इलेक्शंस देखे हैं अपने अपने लाइफ स्पैन में, करियर में आपने देखा होगा कि जब पहले चुनाव होते थे तो उस समय क्लब जो होते थे उनको बुला के क्रिकेट किट दे दिया जाता था या कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दिया जाता था, वो बढ़ते बढ़ते गाड़ियों तक चले गया। अब ऐसा हो गया कि बड़े बड़े 4 व्हीलर्स दिए जा रहे हैं सरपंच को, इसको 10-12 4 व्हीलर्स दे दिए, और हर टिकट का वैल्यू 2,000 से 8,000 रुपया लिफाफे में डाल के डाले, बिरयानी दारू वो सब बंद हो गया अभी। अच्छा, अब पूरे सबका आपके घर में 4 लोग हैं तो जो पार्टी आपको 5,000 रुपीज पर वोटर, 4 लोग 20,000 रुपये का लिफाफा पहुंच गया आपके पास, तो आप सोचिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर्स होंगे। मैं अमाउंट तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ये सुना था कि इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सीट जहां से बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह लड़ रहे थे, उनके मुकाबले गिरीश देवांगन, ये इनके बाल सखा कहे जाते हैं, अब पता नहीं बाल सखा हैं कि कॉलेज सखा हैं, गिरीश देवांगन भूपेश बघेल के साथी हैं, वो लड़ रहे थे वहां से कांग्रेस से राजनांदगांव से। और कहा गया कि बड़े बड़े जो संपन्न मकान थे, बड़े बड़े जिसमें कई एसी लगे हैं, उन घरों में भी लिफाफा पहुँच गया था वोटर लिस्ट देखकर। मुझको नहीं मालूम लिफाफा खाली था, धन्यवाद था, अनुरोध था, नगद था, क्या था, मुझको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन पहुंचा था, लोग बतलाते हैं वहां पे। अब जो भ्रष्टाचार की आप जो बात कह रहे थे कि वोटर घर में आते हैं सुबह से शाम तक 10,000 रुपया लग जाता है, कहां से लाएगा नेता इस पैसे को, ये बात आपकी सही है जी। मेरा दूसरा कहना है इसको लेकर, आपको वोटर के लिए भ्रष्ट होना पड़ रहा है जी, वहां तक ठीक है। वोटर आपके घर चाय पीने आए इसलिए आप 25 करोड़ का अपना बंगला बनवा लें जी, इसलिए आप 200 एकड़ जमीन खरीद लें, ये तो वोटर को चाय पिलाने के लिए नहीं है। नहीं है, वोटर को चाय पिलाने के लिए आपका कहना है कि 3 लाख रुपया महीना चाहिए जी। मेरा ये कहना है कि कोई मंत्री 3 लाख रुपया महीना भ्रष्टाचार करता है तो मैं मान लूंगा कि वो चाय पानी के लिए जी, लेकिन अगर वो
3 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए महीने का भ्रष्टाचार करता है तो वोटर को क्या पिलाएगा? वोटर को क्या जॉनी वॉकर ब्लू लेवल स्कॉच पिलाएगा? सवेरे सवेरे घर में क्या चीज पिलाएगा वोटर को? उतना पैसा कमा के 3 लाख रुपए के ऊपर का जो पैसा है, मैं बोलता हूँ 4-5 लाख रुपया भी आप गिल्लो हो सकता है, एक समोसा भी दे देता होगा वोटर को मंत्री, लेकिन 100-100 एकड़ जमीने, सैकड़ों करोड़ का हिसाब किताब, सैकड़ों करोड़, आपको लगता है कि इतना भ्रष्टाचार वोटर के लिए करना पड़ता है? नहीं, वोटर के लिए तो नहीं करना पड़ता सर, लेकिन वो एक सिस्टम ऐसा बन गया है। हाँ। आप एक काम कीजिए, किसी भी इलेक्शन, आप छत्तीसगढ़ में लीजिए, अब किसी भी पॉलिटिशियन जो संपन्न पॉलिटिशियन है उसका 15 साल पहले का रिकॉर्ड, आईटी का रिकॉर्ड, या वो जो सबमिट किया होगा चुनाव के समय जो एफिडेविट देता, उसको और अभी का मैच कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका जो सैलरी है, वो सैलरी को भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन्फ्लेशन को भी जोड़ लीजिए, सबको सबको, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 नहीं 1000% ग्रोथ है सबका। हाँ, वो जो जी जो हाईब्रिड फास्ट ग्रोविंग बैम्बू रहता है, बांस, उस रफ्तार से बढ़ता है पैसा वो उनका। खैर, अपन अगली सीट पे जाते हैं क्योंकि ये तो जेनेरिक बात हो गई, बहुत जरूरी बात है। अगली सीट जो डिक्लेयर हो चुकी है वो है कोरबा की, डॉक्टर ज्योत्सना महंत की, जो कि वहां से अभी सांसद हैं। ये 2004 में ये सीट नहीं थी कोरबा की, 2004 में ये सीट कोरबा की नहीं थी। 2009 में पहली बार यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए, चरणदास महंत कांग्रेस से लड़े, करुणा शुक्ला ये बीजेपी से लड़ी और चरणदास महंत 20,000 वोट से जीत गए थे, करुणा शुक्ला सालंग की, बाद में दोनों एक ही पार्टी में हो गए थे। महंत ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, करुणा शुक्ला कांग्रेस में आ गई थी 20,000 वोटों से। 2009 में महंत जीते और मनमोहन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बने थे, कृषि राज्य मंत्री थे चरणदास महंत, ऐसा ही था। मुझको इसलिए भी याद है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को जब धान के उत्पादन में हाईएस्ट ग्रोथ, सर्वाधिक वृद्धि का जब सम्मान पुरस्कार मिला था दिल्ली में जी, तो चरणदास महंत भी मंच पर थे और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को पुरस्कार मिल रहा था। खैर, 2014 में फिर चरणदास महंत लड़े और बंशीलाल महतो बीजेपी के कैंडिडेट थे, 4265 वोट से महंत हार गए। 2014 मोदी के नाम की सुनामी थी, पूरा देश मोदी के नाम पे वोट दे रहा था, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह का नारा चल रहा था। महंत हार गए 4265 वोट से, ज़्यादा नहीं था, 4265 छोटी हार थी, जहाँ लाखों की भी हार थी वहाँ महंत की हार छोटी थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में आते हैं, फिर मोदी की लहर थी, लेकिन ज्योत्सना चरणदास महंत कांग्रेस की 26,000 वोटों से जीती, यानी उनकी उनके ठीक नीचे मुझको दिख रहा है कि महंत 20,000 वोट से जीते थे 2009 में, 10 साल बाद ज्योत्सना महंत जो हैं 26,711 वोटों से जीती थी, ज्योति नंद दुबे ये भाजपा की वहां से कैंडिडेट थे। अब यहां ज्योति नंद दुबे भाजपा के कैंडिडेट थे कोरबा से, जो 26,711 वोट से हारे थे। अब यहां पर मैं आपको बतलाऊं, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2023 का भूपेश बघेल की सरकार में, उसमें कोरबा की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों पे कांग्रेस पार्टी की हार जो है वो कुल मिलाकर 60,995 गिन ले अपन, 5 वोट से क्या फर्क पड़ता है, 61,000 वोटों से कांग्रेस हारी हुई है विधानसभा के चुनाव में। और ये तो लोकसभा का चुनाव है, इस बार तो मोदी के साथ में रामलला भी हैं, मोदी की जितनी फोटो आएगी उसमें रामलला की फोटो साथ में रहेगी। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में ज्योत्सना महंत वहां से कांग्रेस की कैंडिडेट, चूंकि दो ही उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से, तो ज्योत्सना महंत तो हैं ही वहां से कैंडिडेट। यहां से सरोज पांडे जो कि दुर्ग से सांसद रही हैं, दुर्ग से काफी दूर है कोरबा, काफी दूर है, वहां जाकर वो लड़ रही हैं चुनाव। इनके लड़ने की संभावना हमने कुछ दिन पहले जाहिर की थी, जब 14.5 करोड़ की सांसद निधि में से, 14.5 करोड़ की सांसद निधि में से सरोज पांडे ने, चूंकि राज्यसभा सदस्य हैं, वो पूरे प्रदेश में कहीं भी दे सकती हैं पैसा अपना,
तो सरोज पांडे ने उसमें से 12.5 करोड़ रुपया कहाँ दे दिया था? कोरबा संसदीय सीट में। नाम की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन मैंने और शशांक ने समाचार बनाते हुए उसी दिन चर्चा कर ली थी कि भाजपा टिकट की घोषणा करे, उससे ज़्यादा बड़ी घोषणा सरोज पांडे ने कर दी है। 14.5 करोड़ की सांसद निधि में से 12.5 करोड़ रुपया कोरबा को दे दिया था, बाकी 10 सीटें जो हैं उनको किसी को 54 किसी को 58 ऐसा मिला था सरोज पांडे से। क्या स्थिति है शशांक यहाँ? ये अभी हालत ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव से की तुलना में इस बार पोजीशन कांग्रेस की खराब है, विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो। हाँ। अभी विधानसभा की एकमात्र सीट रामपुर बसपा में है। हाँ। दूसरा पाली तानाकार है गोंडवाना के पास है। सरोज पांडे जो भाजपा प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़ा नाम है, और शुरुआत में उनका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था, लेकिन दबे छुपे ही विरोध हो पाया। अब थोड़ा सा मामला सेटल हो गया, होटल दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ ये इसका खास करके मारवाड़ी वाला इलाका, जोगी परिवार का बड़ा प्रभाव वाला इलाका है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी सेकंड पोजीशन पे थे। अच्छा। इस वजह से ये सीट भाजपा को मिल गई थी। अच्छा। इस बार अमित जोगी खामोश है। हाँ। कुछ क्या भाजपा के साथ तालमेल मुझको दिख रहा है, ट्विटर पे भाजपा के तारीफ में बड़ी बड़ी बातें वो लिख रहे हैं। अमित शाह से कुछ दिन पहले मिले भी थे, गुलदस्ता वगैरह फोटो कुछ कुछ था उनका। अच्छा। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वो बड़ी ताकत है। हाँ। जैसे पाली तानाखार सीट तो उनके पास है। हाँ। इसके अलावा भरतपुर सोनाट विधानसभा, वहाँ भी करीब करीब 33,000 वोट मिले थे, 35,500 वोट। हाँ। तो अगर मिला ले तो 1,00,000 वोट के आसपास, पौन लाख या लाख के। ये विधानसभा चुनाव में गोंडवाना के थे, उतने वोट उनके पास हैं। हैं। अब कमिटेड वोट, कमिटेड हैं। अब ये इनका अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का क्या रूप रहेगा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे कि चरणदास महंत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता से भी परे, उनके बहुत सारे पार्टियों से अच्छे संबंध हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपने खुद के विधानसभा चुनाव में जब उनको हराने की भरपूर कोशिश हो रही थी, उसमें भी वो जोगी पार्टी या गोंडवाना या बसपा इन लोगों का समर्थन किसी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी है उसको जुटा लिया उन्होंने समर्थन को। मैं चारों गिन रहा हूँ, कोई एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने जुटा लिया था समर्थन। क्या लगता है आपको कोरबा संसदीय सीट पे गोंडवाना अलग से तो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी ना? पिछली बार तो खड़ा की थी और इस बार क्या होगा, क्या रूप रहेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन खड़ा करने की संभावना है। लेकिन फिर भी यहाँ विधानसभा को थोड़ा सा देखे नजरिए पुराने, उसमें एक दो सीट में इतनी बढ़त मिल जाती है कि पूरा खेल बिगड़ जाता है। कोरबा संसदीय सीट के भीतर विधानसभा, जैसे पाली तानाखार सीट ज्योत्सना महंत को 60,000 वोटों की बढ़त मिली थी, तो इस तरह 2-3 सीटों से ही बढ़त मिल पाई थी, बाकी जगह से पिछड़ गई थी, फिर भी वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। तो सरोज पांडे के लिए ये चुनाव आसान नहीं है, बल्कि कहा जाए तो बहुत नजदीकी मुकाबला दिख रहा है। मुझको एक दो लोगों ने ये भी कहा कि सरोज पांडे को निपटा दिया गया है, राज्यसभा भेजा नहीं गया, इतनी मुश्किल सीट पे भेजा गया है जहाँ जीतना उनका बड़ा आसान नहीं है। दो ही सीटें हैं कांग्रेस के पास जिसमें से एक कोरबा है, वहाँ पे भेज दिया गया है, दूर है बहुत। उनका कुल चुनाव जो है आज तक का सारा चुनाव उनका आज तक का भिलाई दुर्ग इलाके का ही रहा है, उससे बाहर जाके दूर दूर जाके वो नहीं लड़ी हैं। जैसे रेणु जोगी बिलासपुर जाके लड़ ली, दिलीप सिंह जुदेव बिलासपुर आके लड़ लिए, भूपेश बघेल पिछला चुनाव रायपुर से आके लड़ लिए थे, अभी ताम्रध्वज महासमुंद से लड़ ले रहे हैं। सरोज पांडे का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन ये सीट उनकी अपनी पसंद की थी ऐसा। हाँ। इसलिए वो प्रभार वगैरह में भी थी यहाँ के विधानसभा चुनाव में, तो उस समय से उन्होंने कुछ जमीन बनानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो आपको पुराना याद है होगा, जब ये देवरा सीट चुनाव लड़े थे, प्रदीप गांधी के सदस्यता खत्म होने के बाद बाई इलेक्शन में सांसद बने थे,
उस समय भी पार्टी ये सोच रही थी कि सरोज को क्यों ना उतारा जाए वहां से नांदगांव से। तो लीलाराम भोजवानी को खैर टिकट दे दिए और वो हार भी गए क्योंकि माहौल उनके खिलाफ ही हो गया था। जो इनकी बदनामी प्रदीप गांधी की इतनी ज्यादा थी कि वो काउंटर नहीं कर पाई पार्टी। फिर भी इस बार कोरबा में इनकी तमाम मेहनत के बावजूद मुकाबला काफी नजदीकी दिख रही है। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ दिनेश आपसे, जैसे सरोज पांडे दुर्ग जिले की नेता रही अभी तक, नेता बड़ी है महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश की इंचार्ज रही वो बीजेपी संगठन की तरफ से, लेकिन उनका राजनीतिक चुनावी जीवन जो है वो दुर्ग जिले में सीमित रहा दुर्ग संसदीय सीट तक, उसके बाहर चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। अब वो बाहर आकर चुनाव यहाँ पे लड़ रही है कोरबा से। कोरबा में जाहिर है कि बहुत सारे भाजपा के नेता होंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि ताम्रध्वज महासमुंद से जाके लड़ रहे हैं, वहां पे महासमुंद के बहुत सारे स्थानीय नेता होंगे कांग्रेस के। जो लोकल लीडर्स जो रहते हैं किसी पार्टी के, उनको क्या लगता है जब बाहर से किसी नेता को इंपोर्ट किया जाता है और वहां से लड़वाया जाता है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनका क्या रिएक्शन रहता होगा? सर इसका दो आंसर्स है इसके। एक तो ये है कि बिल्कुल पसंद नहीं करते लोकल लीडर्स कहीं पर भी, नॉट ओनली इन कोरबा, कहीं पर भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब हाईकमांड इतना स्ट्रांग है उस समय बोलना बहुत मुश्किल रहता है ऐसा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बीजेपी जो कैंडिडेट सिलेक्शन कर रही है वो 3 पैरामीटर्स पे कर रही है। अच्छा। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर का मतलब है बिहार, उड़ीसा और ईस्टर्न एंड सदर्न कॉरिडोर, बिहार, बंगाल, ओडिशा एंड सदर्न। यहाँ पर आप देखेंगे तो 230-240 सीट्स है। इसमें बीजेपी का कोई पकड़ नहीं है। अच्छा। आउट ऑफ 545 सीट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ये पूरा जो है यहाँ पर वो पूरे पूरे बायनाक्लोज से एक एक, तो ये पूरे एरिया में वो अलायंस के बारे में बात कर रही है। बिहार में अलायंस कर रही है, उड़ीसा में अलायंस कर रही है, आंध्र प्रदेश में अलायंस कर रही है, तेलंगाना में तो खुद फाइट कर रही है, और यहाँ पर भी एडीएम के साथ था अब नहीं है, कर्नाटका में उनका तो पकड़ ही है। तो ये पूरे एरिया के लिए जो कैंडिडेट्स है उनका चॉइस और सिलेक्शन बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। जो हिंदी बेल्ट है, जो काउ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, बीमारू स्टेट्स है, हालांकि छत्तीसगढ़ तो बीमारू नहीं है, इन स्टेट्स में वो लोग 3 या 4 लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। तो यदि वो कोरबा में उन्होंने दिया है तो बहुत रिसर्च करके दिया होगा कि कोई डिफेंस, कोई उस पे ऑब्जेक्शन ना हो, कोई उसमें इश्यूज ना हो, लोकल रेजिस्टेंस ना रहे। जी, और ऐसे कैंडिडेट्स को पहले से उन्होंने हिंट करके रखा कि यहाँ जा सकते हो, इसीलिए विधानसभा में चार्ज दे के रखा उस इलाके का, चार्ज दे के रखा है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो फंड्स जो भी दिया है सिटिंग इन दुर्ग गिविंग फंड्स टू कोरबा, इटसेल्फ इंडिकेशन कि उनको पहले से बोला गया कि यू बी रेडी। अदरवाइज कहीं पर भी आपने देखा होगा जो राज्यसभा सदस्य है वो बहुत ही अपने एरिया में, हालांकि स्टेट का होता है लेकिन अपने एरिया को ही वो फंडिंग करते हैं, दे डोंट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। मैं इसी में छोटे से चीज आ रहा हूँ, ये जो सरोज पांडे हैं ये यूपी मूल की हैं, बिहार यूपी बिहार की मूल की हैं, और कोरबा, कटघोरा, मनेनगढ़ जहाँ कोयला वाला बाहर से आए हुए मजदूर और लोग बहुत रहते हैं, ठीक कह रहे हैं। तो अपने आप में एक इनके पेपर में जो वैशाली नगर भिलाई का जो एक कैरेक्टर है कि बाहर से आए हुए लोग बहुत रहते हैं, ऐसा किसी भी औद्योगिक और खनिज इलाके में बाहर से आए हुए लोग बहुत रहते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके अपने वर्कर, उसके अपने डेडिकेटेड वोटर ये भी बहुत हैं सब जगह। नहीं सर, और एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस बार जो सिलेक्शन हो रहे कैंडिडेट्स हो रहे हैं बहुत ही मतलब नैरो वे में उनको देख के किया जा रहा है, क्योंकि 400 का जो टारगेट है वो ऐसे सक्सेसफुली नहीं जा पाएंगे। इफ यू जस्ट दे दिए चलो इसको दे दो वैसे नहीं, आप देखेंगे कैंडिडेट्स, और बहुत जगह पे सरप्राइज कैंडिडेट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीनाक्षी लेखी है दिल्ली में, उनको चुनाव टिकट नहीं, हर्षवर्धन को टिकट नहीं दिया, तो वो बिल्कुल चांस नहीं ले रहे हैं। तो यदि सरोज पांडे को कोरबा से दिए होंगे उसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स को उन्होंने टिक किया होगा ऐसा। जी चलिए हम अगले सीट पे आते हैं, राजनांदगांव सीट जो है, डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे यहाँ से सांसद रह चुके हैं, मधुसूदन यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और संतोष पांडे ये अभी वहाँ से सांसद हैं, ये भाजपा के हुए, लेकिन मोतीलाल वोरा भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और बाद में वो
कोषाध्यक्ष बने, सोनिया गांधी के सबसे करीबी रहे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मुझको ध्यान है मैं मोतीलाल वोरा का इंटरव्यू करने के लिए समय मांग रहा था जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझको कहा गया कि सुबह 7 बजे के पहले आना पड़ेगा, 7 बजे वो निकल जाते हैं प्रचार में। तो मैंने कहा कि मैं रात को आ जाता हूँ, तो कहे हाँ रात को आ जाइए, 3 बजे आ जाइए आप, वो 3:30 बजे लौटते हैं। तो मोतीलाल वोरा बुजुर्ग रहते हुए 3:30 बजे रात को लौटते थे, सुबह सुबह लौटते थे, 7 बजे रवाना हो जाते थे। तो मैं उस वक्त स्कूटर चला के यहाँ से गया था राजनांदगांव, एक तेंदुपत्ता व्यापारी के गोदाम में वो पत्नी सहित ठहरे हुए थे। तो वहाँ गया मैं तो वो दाढ़ी वगैरह बना के वो फिटकरी रगड़ रहे थे। नेता बड़े थे लेकिन जिंदगी उनकी सादगी की थी, ऐसे व्यक्ति थे। 1999 से पहले वो कांग्रेस का सीट था आपको हाँ। याद होगा 1999 में बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तब रमन सिंह जाके एंडी वो जब जीते तो जॉइंट किलर थे हाँ। और उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया और था। उसके ठीक पहले विधानसभा चुनाव हार चुके थे वो, मुझको याद है। उनके विधानसभा चुनाव हारने के बाद में दूसरे नेताओं ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था ये एक अलग कहानी है, लेकिन आज उसको कहना अटपटा रहेगा, वो दूसरे नेताओं को नुकसान पहुंच सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि वो कांग्रेस का बेल्ट चल चुका 99 बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब वो कांग्रेस का बेल्ट, आप भूपेश बघेल चूंकि चुनाव वहां से लड़ने वाले हैं तो आप कांग्रेस का बेल्ट उसको गिना रहे हो जी। थोड़ा हमदर्दी आपकी दिख रही है कांग्रेस के साथ। हमदर्दी नहीं सर, कोई बात नहीं, मुझको लगा भूपेश से आपकी मुलाकात वगैरह कल हुई हो कहीं। अच्छा, 2004 का लोकसभा चुनाव, इसमें देवव्रत सिंह जो हैं ये कांग्रेस से लड़े थे, ये 2004 मूल चुनाव में लड़े थे कि बाई इलेक्शन में इसके पहले यहाँ, और प्रदीप गांधी ये लड़े थे दो लोग, इसमें 14,000 से देवव्रत सिंह हार गए थे। इसके बाद 2009 का चुनाव, इसके बीच में बाई इलेक्शन हो गया था, बाई इलेक्शन में देवव्रत जीत लिए थे। 2009 का चुनाव हुआ उसमें देवव्रत सिंह जो हैं ये 1,19,000 वोट से हार गए थे, तीसरा चुनाव था देवव्रत का। चौथा इलेक्शन हुआ कमलेश्वर वर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट थे, अभिषेक सिंह बीजेपी के, 2,35,000 वोट से अभिषेक सिंह जीत गए थे, जबकि अभिषेक सिंह के पहले मधुसूदन यादव सिटिंग एमपी थे, सिटिंग एमपी का टिकट काटकर अभिषेक सिंह को लड़ाया गया था। मधुसूदन यादव खासे लोकप्रिय व्यक्ति थे, 1,19,000 से वो मधुसूदन यादव जीते थे, लेकिन अभिषेक सिंह उनकी जगह लड़े और 2,35,000 से जीते खासे वोट से। 2019 का पिछला चुनाव, ये एकदम मोदी लहर का चुनाव था, इसमें भोलाराम साहू कांग्रेस के थे, संतोष पांडे बीजेपी के थे, 1,11,000 वोट से संतोष पांडे जीते थे। अभी बीजेपी ने संतोष पांडे को ही दोबारा टिकट दी है, यही स्थिति है। लेकिन नांदगांव का ऐसा क्यों है शशांक कि यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें थी 2023 में पिछले विधानसभा चुनाव में, इसमें कई सीटें बीजेपी हार गई है और बीजेपी का पूरे संसदीय सीट में जो लीड है वो 1,11,000 लोग लोकसभा चुनाव में थी, वहाँ से घट के विधानसभा चुनाव में 30,000 पे आ गई है। तो क्या ये राजनांदगांव सीट जो है इसमें विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन कुछ कमजोर रहा? ये टोटल 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है। 8 में से 5 कांग्रेस के पास है जी। तो भूपेश बघेल कोई यूं ही नहीं चले गए टहलते हुए वहाँ, सोच समझ के गए हैं ऐसा। और आपको याद होगा कि जब सबसे पहले नाम, जब उन्होंने औपचारिक रूप से शुरुआत में टिकट वितरण की बात आई तो नए लोगों, नए चेहरों को सामने करना चाहिए, इस तरह का सुझाव उन्होंने पार्टी के भीतर दिया था और बाहर भी ये कह रहे थे। लेकिन इस बार, लेकिन उनकी रणनीति, अगर पार्टी अगर दबाव देती है, अगर दबाव बनाती है तो मान जाएंगे, तो वो उनके लिए पहली पसंद नांदगांव थी, ये उनको तैयारी थी, उन्होंने बूथवार आंकड़े वगैरह बुलवा लिए थे, तैयारी थी, मोहम्मद अकबर के साथ 2-3 मीटिंग वो कर चुके थे, तो काफी एक्सरसाइज करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। और गिरीश देवांगन एक सीट से लड़े हुए हैं, कांग्रेस कुछ सीटों पे जीती हुई है जी। दूसरी चीज, नांदगांव की तासीर थोड़ी सी अलग है, नांदगांव में शहरी इलाका सिर्फ नांदगांव शहर ही है, बाकी पूरा ग्रामीण इलाका है। क्यों, कवर्धा संसदीय सीट में तो वो, मैं बड़ा शहर जैसे रायपुर दुर्ग की तरह बात बता, उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है,
तो ग्रामीण इलाका काफी ज्यादा है वहाँ, गांव किसान ये सब छोटे छोटे बड़े मुद्दे हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं, तो ये सब चीज उनके फेवर में जाता है। इसके अलावा भूपेश भाई ये राजनांदगांव दुर्ग से ही अलग हुआ जिला, तो वो बाहरी वगैरह का वो स्थिति ना रहे, एक तरह से उनके पास वो सुविधाजनक स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा दुर्ग से उनके लिए अपने आप में मुश्किल रहा है भूपेश बघेल के रहेगा रहता, क्योंकि अब हाल के पिछली बार अपनी 2019 में ताका झोंक दी थी, उसके बावजूद 3,91,000 की बिल्कुल विजय बघेल की बिल्कुल, तो राजनांदगांव उनके लिए सेफ रहा। अब वो मौजूदा भाजपा से है संतोष पांडे, ये संघ के आदमी संगठन के आदमी मौजूदा काफी सक्रिय रहे हैं। आप पिछली बार बोल रहे थे संसद में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले रहे, मुखर काफी रहे हैं 370 वगैरह में, तो वो काफी पार्टी लाइन में बोलने वाले अकेले सांसद यही थे बहुत सारे, और मतलब प्रदेश से बात कर रहा हूँ। और इस बार भूपेश बघेल हैं तो मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा ऐसा अंदाज, थोड़ा चौंकाने वाला रहेगा कि भूपेश बघेल का असर क्या होगा अभी साबित नहीं है कुछ भी। दिनेश क्या लगता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहीं से जाके लड़ रहा है, जाहिर है कि उनको रुपए पैसे की खर्च के लिए कमी नहीं रहेगी। वैसे अभी तक मैं कांग्रेस की लिस्ट देख रहा हूं जी, तो अभी तक मुझको दीनहीन कैंडिडेट नहीं दिख रहे हैं। सर इसमें एक ऐड करना चाहता हूं, ये जो कैंडिडेट जो दिख रहे हैं, शशांक ने जो कहा कि जो 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पास है, कांग्रेस ने एक सर्वे भी किया है, सर्वे में जितने सीट्स आपने बोले सब उनके जीतने के सीट्स हैं, ये वाले सर्वे के हिसाब से उनका जो एक पर्सनल सर्वे जो किया गया था, जो जब मैं शुरुआत में मैंने कहा कि 7 से 8 सीट वो जीतेंगे, वो इस बेस पे मैं कहा कि उन्होंने जो सर्वे किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीतेंगे, लोकसभा के लोकसभा के कांग्रेस ने जो सर्वे किया है, जो कांग्रेस जो सीट्स धीरे धीरे रिलीज कर रही है, वो उनके हिसाब से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीट्स फॉर देम, ये वाली अभी पीछे 39 सीट्स जो पूरे, अच्छा वो वाली 39, लेकिन उसमें कम से कम छत्तीसगढ़ की जो बात कर रहे हैं ये 6 सीट जो है जी, ये कांग्रेस को छक्का लगाने लायक सीट लग रही है, उनको लगता है कि ये उनके झोली में आ जाएगा ऐसा। हाँ, क्योंकि उनका जो सर्वे तीन जो एजेंसी से सर्वे कर रही है, उनको जो दिया था उस सर्वे में, इसलिए आप देखिएगा ये जो सीट्स जो अभी कर रहे हैं इस बहुत ही पॉजिटिव सीट्स, उनको लगता है कांग्रेस को लगता है कि बहुत पॉजिटिव सीट्स है। सीएम जो एक्स सीएम जो है वो उनका नाम अभी भी है, जो दूसरा सीएम काउंटर नहीं कर पा रहे उनको इमेज के हिसाब से, इमेज बिल्डिंग के हिसाब से, तो ही कैन डू सम मैजिक, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ से राजनांदगांव से रमन सिंह और उनके बेटे दोनों जीत चुके, एक बार रमन सिंह 99 में जीते थे, उनके बाद उनके बेटे जीते हैं, तो रमन सिंह विल नॉट, उनको लगता है कि रमन सिंह जो है वो उतना इफेक्टिव वहाँ नहीं होंगे, अच्छा क्योंकि उनका बेटे को टिकट नहीं मिला। अच्छा, तो जो फोर्स है तो इनके साथ जो मशीनरी है, जो पुरानी मशीनरी जो भूपेश बघेल के साथ है और कांग्रेस के कोटियर में घुस गए हैं, बहुत क्लोज है, तो वो इफेक्टिव होगा उनका ऐसा मानना है। ऐसा ये सर्वे जो आप बतला रहे हैं, 3 सर्वे हुए, सर्वे बहुत सारे हुए हैं सर, मुझे 3 के बारे में पता है ऐसा। हाँ, इसमें से आपका किया हुआ तो नहीं था? नहीं, मेरा कोई नहीं सर, ये पूरे दिल्ली बेस्ड एजेंसी से। यू आर नॉट इनटू सर्वे बिजनेस? नो, आई एम नॉट इनटू सर्वे बिजनेस। ऐसा दिनेश अकुला जो कह रहे हैं ये बात बड़ी दिलचस्प है कि सर्वे में ये सामने आया है कि जो 6 सीटें अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर की हैं सीटें कैंडिडेट, ये 6 के 6 ऐसे हैं जो कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस जीत सकती है। मुझको लग रहा है दिनेश आज शाम को भाजपा के लोगों को थोड़ी सी फिक्र हो सकती है यहाँ की बातचीत को सुन के। मेरी कोई शुभकामना किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, जो अच्छे कैंडिडेट रखे, जो अच्छी पार्टी हो, वोटर अपने मन से चुनाव दें, हमारे बातचीत से बिल्कुल भी प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। खासकर दिनेश जो कह रहे हैं उससे प्रभावित मत होइए, वो तो 8 सीट तक कांग्रेस को देने के लिए एक संभावना बता रहे हैं, दिनेश की भाषा में संभावना हो सकती है, भाजपा की भाषा में यह आशंका होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको अपने मर्जी से वोट दीजिएगा, हमारी बातचीत से प्रभावित मत होइए, हम तो ऐसे ही कई बार लफाजी में कई बातें कर बैठते हैं। अभी आपने सुना हमने किस तरह छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चर्चा की जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पा चुकी है, भाजपा के तो सभी 11 पर आ चुके हैं। इन 3 सीटों पर चर्चा के बाद हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे बाकी की उन 3 सीटों की जहाँ की कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, जहाँ कांग्रेस भाजपा आमने सामने डट चुके हैं।
अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा। एक छोटी सी अपील आपसे ये कि बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा का अगर शौक हो तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का शौक कैंसर को भी बहुत है, वो इन चीज़ों को नहीं खाती है, इनको खाने वाले लोगों को खाती है। तो सावधान रहिए, अपने परिवार पे मेहरबानी कीजिए, सरकार के इलाज के खर्च पर मेहरबानी कीजिए, अस्पताल का एक चक्कर लगा के जरूर आइए। अगर आपको इन चीज़ों का शौक है तो किसी भी अस्पताल के कैंसर वार्ड में जाके आइए, लोगों का गाल कटा हुआ, लोगों का गला कटा हुआ जिस तरह से आपको दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि तंबाकू आपको कहाँ ले जाकर पटक कर कैसे मारेगा। बच के रहिए, फिर मिलेंगे।